अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का रीवा से गहरा नाता है, क्योंकि वे रीवा के दामाद हैं। सीएम मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव रीवा की रहने वाली हैं और उनका मायका रीवा की संजय नगर कॉलोनी में है। बीते दिनों सीमा यादव अपने मायके रीवा पहुंची और बचपन के दोस्त व रिश्तेदारों से मुलाकात की। यहाँ उन्होंने अपने भाई जैसे दोस्त वेंकटेश पांडे से चाय पर चर्चा की और स्कूल की पुरानी तस्वीरें भी देखी। गौरतलब है कि सीएम मोहन यादव का विवाह रीवा के ब्रह्मानंद यादव की बेटी सीमा यादव के साथ वर्ष 1992 में संपन्न हुआ था। वेंकटेश पांडे ने अपने बचपन की दोस्त और सीएम मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीमा यादव बेहद सरल स्वभाव की हैं। उन्हें देखकर यह कोई नहीं कह सकता कि ये मुख्यमंत्री की पत्नी है। वेंकटेश कहते हैं, सीमा बहन सहज और बेहद असाधारण व्यक्तित्व वाली महिला है। उनके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए वह कम होगी। वे स्कूल के दिनों में मेरी अच्छी दोस्त हैं और मेरे लिए बड़ी बहन की तरह हैं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बस उनसे सौजन्य माँ मुलाकात हुई, मैं भी सपत्नी को उनसे मिलने गया और उनका कुशल क्षेम जाना। उन्होंने भी पुराने दिनों की याद बातें याद की, ताज़ा की, बल्कि बचपन की उनकी तस्वीर मेरे पास थी, मैंने उनको दिखाया तो वो खुद ही बोली कि भैया मैं नहीं पहचान पा रही हूँ कौन से। मैंने बताया ये वो, आप बोली हाँ हाँ पहचान गए। फिर हो गए जब पुराने जो साथ में हम लोग पढ़ते थे उनके सबके बारे में चर्चाएँ हुई। रीवा के बारे में उन्होंने कहा कि रीवा बहुत बदल गया। हमने कहा बड़ी खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री जी हमारे तो व्यक्तिगत बहनों ही हुए पर रीवा के दामाद हुए। हंसने लगी, बोली इससे अच्छी बात क्या होगी कि रीवा के दामाद एक तरफ मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री रीवा के लाडले बेटे हैं, दोनों जन मिलकर अच्छा रीवा का विकास करेंगे, रीवा के पूरे विंध्य का विकास करेंगे। हो गई सब बातें हो रही थी। क्लास में पढ़े आप? हम लोग एक साथ ही पढ़ते थे, शिशु से लेकर पाँचवीं तक हम लोगों का सेक्शन था। उनको जो हमने फोटो दिखाई उसमें भैया लाल सिंह आचार्य जी, जैसे ही हमने खोला तो सीधे ही बोली अरे तो भैया लाल सिंह आचार्य जी है ना। हम बोले हाँ ये भैया लाल आचार्य जी हैं अब इस दुनिया में। बोले हाँ पता चला था। बड़ी सहज, जो पहले वो थी वही आज है। कोई उनको देख के नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी हैं। वही प्रेम भाव जैसे हम लोग तत्काल आके मिली तो बहुत ही सहज। उनके अंदर कोई भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि हम एक मुख्यमंत्री की पत्नी के पास बैठे हैं। ये पूरा प्रतीत हुआ कि हम अपने बचपन के एक सहपाठी के साथ ही बैठे हुए हैं। देश व प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अनोखी आवाज के साथ।